नमस्कार साथियों, मैं हूं बनवारी सर। सीज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका फिर एक बार हार्दिक अभिनंदन और तहे दिल से स्वागत है। साथियों, राकेश सर द्वारा संचालित सीज क्लासेस विद्यार्थियों के उत्थान के लिए हमेशा तत्पर है और इस क्लासेस में सभी कंपटीशन की तैयारी ईमानदारी से करवाई जाती है। मैं तो हालांकि लॉकडाउन में पूरी क्लासेस नहीं ले पाया, लेकिन राकेश सर और आरसीएम सर और विकास सर, पवन सर, इन्होंने अपना पूरा पूरा समय ईमानदारी से और कर्तव्य निष्ठता के साथ आप लोगों को दिया है। आगे भी ये ज्ञान की गंगा इसी तरह बहती रहेगी। तो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर में एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं साथियों, जिसका नाम है राजस्थान में लोक देवियाँ, लोक गोडेस ऑफ राजस्थान। लोक देवियाँ, लोक देवी क्या है? कोई भी स्त्री जिसने समाज में जन्म लिया, समाज के हित में अच्छे कार्य किए और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई तो स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें पूजा जाने लगा, तो वह स्त्रियां लोक देवियों के नाम से प्रसिद्ध हुई। अगर वो पुरुष थे तो वो लोक देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब बात करते हैं, यहाँ राजस्थान में टॉपिक है राजस्थान में लोक देवी। तो साथियों, राजस्थान में लोक देवियां, टॉपिक है अपना क्या? राजस्थान में लोक देवियां, राजस्थान में लोक देवियां। अब राजस्थान में लोक देवियों के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो आपको बताया स्थानीय लोगों के द्वारा किसी भी स्त्री को पूजा जाने लगा तो उन्हें लोक देवियों के नाम से जाना गया। लोक देवियों को हालांकि कुल देवी और आराध्य देवी दो रूपों में पढ़ा जाता है, लेकिन लोक देवियों को ईमानदारी से अगर वास्तविक रूप से कुछ पुस्तकों के आधार पर देखा जाए तो यहाँ तीन भागों में विभाजित किया, एक कुल देवी, एक आराध्य देवी और एक है साथियों इष्ट देवी। एक कुल देवी, एक आराध्य देवी और एक है इष्ट देवी। अब यहाँ पर इन तीनों के बारे में हम बात करते हैं, तो मैंने आपको बताया कि किसी जाति विशेष में अगर पैदा हो, किसी जाति विशेष में अगर पैदा हो तो वह उनकी कुल देवी मानी जाती है। किसी कारण से दूसरी जाति के द्वारा पूजा जाने लगे तो वह आराध्य मानी जाती है, और अगर उस आराध्य को और घनिष्ठता से पूजा जाने लगे तो उसे इष्ट के रूप में जाना जाता है। हमारे राजस्थान के इतिहास में आप लोगों को पता है ये बात। जैसे मैंने आप लोगों को बताया साथियों कि एक नाम लिखा मैंने यहां पर नारायणी माता, नारायणी माता मैंने यहां पर नाम लिख दिया, और नारायणी माता जैसे ही मैंने नाम लिखा व्यक्ति जाएगा राजगढ़ अलवर, यानी राजगढ़ अलवर में नारायणी माता का मंदिर है। कहां पर है मंदिर? राजगढ़ अलवर में नारायणी माता का मंदिर है, और ये जो नारायणी माता है ये सेन या नाई समाज में पैदा हुई है। सेन या नाई समाज में इन्होंने जन्म लिया है, अवतार लिया है, अवतरित हुई है, तो ये सेन या नाई समाज की क्या हो गई साथियों? कुल देवी हो गई। सेन या नाई समाज की क्या हो गई? कुल देवी हो गई। तो सेन या नाई समाज इन्हें क्या मानेंगे? कुल देवी के रूप में पूजेंगे। लेकिन आपको पता है ऐसा माना जाता है कि नारायणी माता जो है वो अपने पति के साथ ससुराल जा रही थी, रास्ते में सांप के द्वारा इनके पति को काट लिया गया तो पति की मृत्यु हो गई थी, और प्राचीन समय में सती प्रथा नाम की एक प्रथा हुआ करती थी जो वर्तमान में भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित और गैरकानूनी कर दी गई है। तो कुल मिलाकर सती प्रथा जो है उसमें पति की मृत्यु होने पर स्त्री महिला को आग में या पानी में जलना पड़ता था, मतलब पानी में भी डूबती थी कुछ, आग में भी जलती थी, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या है कि जो अधिकतम आग का ही प्रमाण मिलता है, प्राचीन सभ्यताओं में दफनाने का भी प्रमाण मिलता है, तो आग में जलाया जाता था तो उसे सती के नाम से जाना जाता था। और कुछ महिलाएं जो पत्नी के अतिरिक्त जैसे माँ बहन होती थी उनके भी सती के प्रमाण इतिहास में मिलते हैं, तो ऐसी महिलाओं को इतिहास में महासतियों के नाम से भी जाना जाता था। तो यहाँ पर सेन या नाई समाज की ये नारायणी माता के पति को सांप ने डस लिया, पति की मृत्यु हो गई, और जहाँ पर मृत्यु हुई वहाँ से ससुराल दूर है, जंगल का रास्ता है,
और आपको पता है कि भारत में सूरज के ढलने के बाद दाह संस्कार नहीं होता और सूरज ढलने वाला था, तो माता ने सोचा कि भाई दाह संस्कार यहीं किया जाए और यहीं सती हो जाए। तो वो लकड़ियाँ इकट्ठे करने लग गई। पास में मीणा जाति का एक ग्वाला गायें चरा रहा था तो उसने देखा कि माता बड़ी विकट परिस्थिति में है और परेशानी में है, तो उसने भी चिता के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करवाई। जब चिता जलने लगी और माता सती होने की तैयारी करने लगी तो माता ने उस ग्वाले से पूछा कि बेटा तुम्हारे क्षेत्र में कोई समस्या हो तो हमें बताइए। तो उस ग्वाले ने कहा कि माँ हमारे क्षेत्र में बारिश की बड़ी समस्या होती है, बारिश समय पर नहीं हो पाती तो हम लोग बड़े परेशान रहते हैं। तो माता ने कहा कि जैसे ही ये चिता ढंग से जलने लगे इसमें से एक जलती हुई लकड़ी उठाना, सीधे भागना, पीछे मुड़कर मत देखना। ग्वाले ने लकड़ी उठाई, सीधा भागा, लेकिन कुछ दूरी पर जाने के बाद उसने पीछे पलट कर देख लिया। जब उसने पीछे पलट कर देखा तो पानी का एक धोरा बहता हुआ आ रहा था और जहाँ पलट कर देखा वो धोरा वहाँ बंद हो गया और आज भी अलवर क्षेत्र में उस धोरे के साक्ष्य प्रमाण मिलते हैं। तो साथियों, मीणा जाति के लोग माताजी को मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे तो सेन या नाई समाज की तो ये क्या हो गई, कुल देवी हो गई, और मीणा जाति की ये क्या हो गई, आराध्य देवी हो गई। और इन्हीं आराध्य देवियों को अगर किसी के द्वारा और घनिष्ठता से पूजा जाने लगे तो उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इष्ट देवी के नाम से जाना जाता है। तो इतिहास में कुल देवी, आराध्य देवी, इष्ट देवी, तीन नाम हम यहाँ पर पढ़ेंगे। हालांकि आराध्य इष्ट एक ही है, लेकिन फिर भी आराध्य को अधिक घनिष्ठता से माना जाने लगे तो वो क्या बन जाएगी साथियों? वो इष्ट बन जाएगी। तो यहाँ पर हम राजस्थान में इन लोक देवियों के बारे में बात करेंगे। राजस्थान में लोक देवियों के बारे में हम बात करते हैं, राजस्थान में जब हम लोक देवियों के बारे में हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैं बात करता हूँ राजस्थान में लोक देवियों की। अब राजस्थान में लोक देवी टॉपिक जब हम पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा कि राजस्थान में जिलों की संख्या साथियों 33 यानी 33 है, और इन लोक देवियों को अगर हम पढ़ें तो इन्हें हम पढ़ते हैं संभाग के अनुसार, और राजस्थान में संभागों की संख्या आप जानते हैं कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। जिलों की संख्या कितनी बताई हमने? 33 बताई, और संभाग की संख्या कितनी बताई? 7 बताई। 7 संभागों के बारे में हम बात करते हैं तो उन 7 संभागों की लोक देवियाँ यहाँ पर अपने को पढ़नी है, जैसे कोटा संभाग पहला, अजमेर दूसरा, बीकानेर तीसरा, भरतपुर चौथा, जयपुर पांचवा, उदयपुर छठा, और जोधपुर 7वां। 4 संभाग कोटा, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, 4 जिले, जयपुर 5 जिले, जोधपुर उदयपुर 6 जिले। तो टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 33। तो राजस्थान में हम क्या पढ़ रहे हैं साथियों? लोक देवियाँ। अब राजस्थान में हम लोक देवियों के बारे में बात करते हैं तो राजस्थान में लोक देवियों को पढ़ेंगे हम संभाग के अनुसार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साथियों राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवियों। तो यहाँ पर हम राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवियों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर हमने लिख दिया राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवियाँ, राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवी, राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवियाँ। कोटा संभाग के बारे में बात करते हैं तो कोटा संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 4 है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ 4 जिले हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहला एक जिला लिखा जिसका नाम है झालावाड़। झालावाड़ की जब हम बात करते हैं साथियों तो प्राकृतिक दृश्य से बड़ा ही प्यारा जिला है। राजस्थान में त्रिकोणात्मक शैली पर बसा हुआ
जो एकमात्र शहर है वो झालावाड़ है। इस शहर के किसी भी स्थान में वास्तविक रूप से चौराहा नहीं है। यहाँ पर रास्तों की संख्या हर जगह 3 है, इसलिए इसे त्रिकोणात्मक शैली पर आधारित शहर के नाम से जाना जाता है। कौन सा? झालावाड़। झालावाड़ जिले के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक लोक देवी का प्रमाण मिलता है जिन्हें हम राता देवी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मैंने नाम लिख दिया साथियों, राता देवी। अब झालावाड़ का जब जब नाम आता है, झालावाड़ का जब जब नाम आता है तो एक दुर्ग आता है राजस्थान में जो सबसे प्रमाणित जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है, और वो है कौन सा? गागरोन। कौन सा है साथियों? गागरोन। तो गागरोन के बारे में जब हम बात करते हैं तो गागरोन का जब राजवंश पढ़ा जाता है तो आते हैं खींची राजवंश। खींची राजवंश जब आता है तो यह राता देवी जो है ये खींची राजवंश में पैदा हुई थी, इसलिए ये खींची शासकों की क्या लगती है? कुल देवी लगती है। तो यहाँ पर राता देवी के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो ये खींची राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। किसकी कुल देवी मानी जाती है? खींची राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने कहा कि झालावाड़ में एकमात्र लोक देवी है और उनका नाम है राता देवी। ऐसे लोक देवियों की संख्या हर शहर में कई मिलेगी, लेकिन वास्तविक रूप से प्रमाणित जो हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार होता है उसी को ही हम अध्ययन करते हैं, उसी का अध्यापन करवाते हैं, उसी को ही हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा झालावाड़ में नाम आया राता देवी। किसकी कुल देवी है ये? खींची राजवंश की कुल देवी मानी जाती है। गागरोन के प्रताप सिंह खींची जिन्हें बाद में संत पीपा जी बने, वो भी खींची राजवंश से ही संबंधित है। आइए यहाँ तक बात समझ। तो आगे चलते हैं साथियों, राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं। राजस्थान में कोटा संभाग की लोक देवियों के बारे में हम बात कर रहे हैं तो कोटा संभाग की लोक देवियों के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमने आपसे कहा कि ये जिला है झालावाड़, और जिलों की संख्या हमने कोटा संभाग में बताई कितनी साथियों? 4, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? झालावाड़ के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? झालावाड़। अब इसके बाद अगले ज़िले के बारे में हम बात करते हैं साथियों, तो अगला ज़िला जो आता है उस अगले ज़िले का नाम, और वो है बारा। क्या नाम है साथियों? बारा। तो यहाँ पर अगले ज़िले के बारे में जब हम बात करते हैं तो नाम आता है बारा। क्या नाम आता है साथियों? बारा नाम आता है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं बारा के बारे में। बारा नाम सुना होगा आप लोगों ने, वराह नगरी के नाम से जाना जाता है बारा को। राजस्थान के प्राकृतिक छटा को देखा जाए तो इसका भी दृश्य विहंगम है। कौन सा? बारा। बारा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले एक नाम आता है साथियों, और वो नाम आता है कृष्णाई या कृष्णाई माता। कृष्णाई या कृष्णाई माता। और कृष्णाई या कृष्णाई माता की जब हम बात करते हैं तो इन माता का मंदिर जहाँ मिलेगा उस गांव का नाम है साथियों रामगढ़। रामगढ़ ये गांव है राजस्थान का। एक रामगढ़ आपने शोले फिल्म में भी देखा था जहाँ पर एक खतरनाक विलन गब्बर सिंह जी रहे, सभा देखा होगा आप लोगों ने। तो वो रामगढ़ अलग है, वो रामगढ़ अलग है और ये रामगढ़ अलग है। तो ये बारा में गांव है रामगढ़ जहां माता जी है कृष्णाई या कृष्णाई माता। गांव का नाम है, गांव की प्रसिद्धि है इसलिए गांव का नाम है, गांव की प्रसिद्धि है इसलिए माता जी को रामगढ़ की माता जी के नाम से भी जाना जाता है। इनको रामगढ़ की माता जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है साथियों? रामगढ़ की माता जी के नाम से भी जाना जाता है। अब दरअसल में क्या है, रामगढ़ की माता जी के बारे में जब हम बात करते हैं साथियों तो रामगढ़ की माता जी जो बूंदी में इंद्रगढ़ की बीजासन माता है उनकी छोटी बहन मानी जाती है। दरअसल में प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या रहा? तो प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ये रहा कि हमारे इतिहास में एक शासक, एक व्यक्ति जिन्हें झाला जालिम सिंह के नाम से जाना जाता है,
जिन्हें जयपुर के माधो सिंह के साथ युद्ध करना पड़ा। तो झाला जालिम सिंह को माता ने सपने में दर्शन दिए, भक्त थे, माता ने सपने में दर्शन दिए और कहा कि जालिम सिंह जी, आप युद्ध करने के लिए जयपुर वाले स्थान में मत जाइए। माधो सिंह को युद्ध करने के लिए हाड़ोती के अंचल में बुलाइए। तो हाड़ोती में बारा में एक तहसील है मांगरोल, बिल्कुल नाम सुना होगा आपने, मांगरोल की खादी, बिल्कुल बिल्कुल। मांगरोल एक शहर है और उस मांगरोल के पास एक जगह है भटवाड़ा, भटवाड़ा जहाँ गणेश जी का मंदिर भी है, भटवाड़ा नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो उस स्थान पर इन दोनों शासकों के बीच हुआ युद्ध, और वो युद्ध कौन जीता? झाला जालिम सिंह। तो साथियों, जब झाला जालिम सिंह युद्ध जीतेगा तो वो मंदिर परिसर में कुछ निर्माण जरूर करवाएगा। तो इस मंदिर में झाला जालिम सिंह के द्वारा 751 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, इस मंदिर परिसर में, इस मंदिर परिसर में झाला जालिम सिंह द्वारा, इस मंदिर परिसर में झाला जालिम सिंह द्वारा, झाला जालिम सिंह द्वारा 751 सीढ़ियों का, 751 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया, 751 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया। बात कर रहे हैं हम यहाँ पर किसके बारे में? राजस्थान में लोक देवियों को हम संभाग के अनुसार पढ़ रहे हैं, और सबसे पहला हमने संभाग स्टार्ट किया है कोटा, और कोटा में हमने पहला जिला पढ़ा झालावाड़। अब दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो है बारा, और बारा में हम नाम लिख रहे हैं कृष्णाई या कृष्णाई माता, जिनका मंदिर कहाँ है साथियों? रामगढ़ में। तो इस मंदिर परिसर में झाला जालिम सिंह द्वारा 751 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया। आगे यहाँ पर हम बात करें 751 सीढ़ियों का निर्माण करवाया गया, और यह लोक देवी किसकी बड़ी बहन मानी जाती है? तो ये बूंदी की बीजासुर माता की बड़ी बहन है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया, देवी को इंद्रगढ़ की बीजासुर माता बीजासन माता की बड़ी बहन मानी जाती है। किसकी बड़ी बहन मानी जाती है साथियों? बीजासन माता बूंदी की बड़ी बहन मानी जाती है। तो ये बारा के बारे में हम बात कर रहे हैं। पहली लोक देवी हमने यहाँ पर लिखी है कृष्णाइया कृष्णाई माता। अब आगे चलते हैं साथियों, आगे इसी बारा में जब हम बात करते हैं तो ये पहला नाम तो हमने लिख दिया क्या वो हमने नाम लिख दिया कृष्णाइया कृष्णाई माता, और मंदिर बता दिया आपको कहाँ पर साथियों? रामगढ़। कहाँ पर बता दिया? रामगढ़ में मंदिर बता दिया। अब हम आगे बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जब हम आगे बात करते हैं तो हमने आपसे कहा कि अगला जो नाम आता है इसी बारा में, वो नाम आता है ब्रह्मानी माता। क्या नाम आता है साथियों? ब्रह्मानी माता। तो यहाँ पर हमने अगला नाम लिखा ब्रह्मानी माता, ब्रह्मानी माता। अब ये जो बारा में ब्रह्मानी माता है, अंता के समीप, नाम सुना होगा दोस्तों एनटीपीसी अंता, अंता के समीप एक स्थान है जिसका नाम है सोरसन। क्या नाम है? सोरसन। तो इस सोरसन में ब्रह्मानी माता का मंदिर है। तो ब्रह्मानी माता जो है, इनका मंदिर सोरसन है।
सोरसन राजस्थान में एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी बारह में काफ़ी प्रचलित है। बरसात के दिनों में यहाँ पर बड़ी सुंदरता और प्रकृति का दृश्य दिखाई देता है। चिंकारा हिरण और राज्य पक्षी गोडावण जो है वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। राजस्थान में मरु राष्ट्रीय उद्यान जैसलमेर, साकलिया गांव, अजमेर और सोरसन बारा, ये तीन वो स्थान हैं जहाँ हमारा राज्य पक्षी गोडावण कैरियोप्सिस नाइग्रिसेप्स जिसे कहा जाता है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, माल मोरडी, शर्मिला पक्षी के नाम से जिसे जाना जाता है, तो वो कहाँ मिलता है? वो भी सोरसन में मिलता है। तो यहाँ पर लोक देवी कौन सी है? ब्रह्माणी माता। ब्रह्माणी माता के बारे में बात की जाए साथियों, तो यहाँ पर ये राजस्थान की एकमात्र लोक देवी है जहाँ देवी की पीठ की पूजा की जाती है। देवी की पीठ की पूजा की जाती है, देवी की पीठ की पूजा की जाती है। अब देवी की पीठ की पूजा की जाती है क्यों की जाती है? स्थानीय किंवदंतियों में और वहाँ की कहानियों में ये जानकारी मिलती है कि सोरसन के समीप मानपुरा नाम का कोई प्रसिद्ध गांव रहा है और वहाँ के कोई जागीरदार भगवान के भक्त थे और उनको ब्रह्माणी माता ने दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि वत्स तुमको क्या चाहिए? तो उन्होंने कहा कि माँ आप हमारे घर पर ही विराजमान हो जाइए। तो माता भक्त की बात नहीं टाल सकती थी, लेकिन माता ने कहा कि अगर तुम्हारे घर में कभी जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद नहीं होता है तो हम रुक सकते हैं। वो रुकी, विवाद होना था, तो एक दिन विवाद हुआ। माता मानपुरा से नाराज़ होकर के सोरसन चली गई। जागीरदार और उनकी पत्नी दोनों माँ को मनाने के लिए सोरसन चले गए, लेकिन माँ ने इनकार कर दिया कि हमने जो कहा था हम उससे नहीं मुकरे, अब हम वापस नहीं जाएंगे। तो जागीरदार और उसकी पत्नी ने कहा कि हम आपके गुरु केदारनाथ जी को जानते हैं, हम केदारनाथ जी के पास जाएंगे, उनसे विनती करेंगे, आग्रह करेंगे, लेकिन आपको लेकर ज़रूर जाएंगे। तो माता ने कहा बिल्कुल जाइए, हम आपका इंतज़ार करेंगे। जब वो जाने लगे तो माँ ने उनका चेहरा नहीं दिखाया, गुस्से में नाराज़गी में चेहरा नहीं दिखाया। तो वो जाते समय पीठ के दर्शन करके गए थे, वो वापस आए नहीं, माता जी वहाँ से गई नहीं। तो वहाँ पर फिर एक मंदिर का निर्माण करवा दिया गया जिसे हम ब्रह्माणी माता के नाम से जानते हैं और यही कारण है कि वहाँ पर आज भी देवी की पीठ की पूजा की जाती है। कौन सी माता जी की बात कर रहे हैं साथियों? ब्रह्माणी माता जी की बात कर रहे हैं, सोरसन में हैं। राजस्थान में कहानियाँ, देवी देवताओं के किस्से बहुत ज़्यादा है। हमारी संस्कृति, हमारी छटा का कोई मुकाबला नहीं है साथियों। बस आपके पढ़ने की जो जुनून की जो रवानी है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि अब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अब पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि अगर आपने पढ़ाई नहीं की तो वो खतरा हो सकता है। क्योंकि आपने देखा साथियों, लॉकडाउन में केवल गवर्नमेंट जॉब वाले ही सबसे ज़्यादा खुश रहे, क्योंकि आय का साधन बंद नहीं हुआ है। इसलिए लगे रहिए, तैयारी में लगे रहिए, अपने जोश अपने जुनून को कम मत होने दो और तैयारी ईमानदारी से करते रहो, मज़ा आएगा। ऑफलाइन जब चलेगी तो उसके लिए तो हम तैयार है ही सही, लेकिन उससे पहले भी पढ़ाई को रोकना नहीं है, क्योंकि अगर हम रुक गए तो वो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो रुकना नहीं है साथियों, निरंतर आगे बढ़ते रहना है और पढ़ते रहना चाहिए, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कहा ब्रह्माणी माता सोरसन देवी की पीठ की पूजा की जाती है। तो ये जिला था हमारे कौन सा? ये जिला था साथियों, कौन सा जिला था ये? ये था बारह। तो बारह जिले में दो लोक देवियों को हमने पढ़ा, एक हमने कहा कृष्णाई या कृष्णाई माता और दूसरा नाम हमने लिख दिया साथियों ब्रह्माणी माता, जिनका मंदिर कहाँ पर है? सोरसन बारह। अब चलते हैं तीसरे जिले के पास जिसका नाम है बूंदी। क्या नाम है साथियों तीसरे जिले का? बूंदी नाम है। तो अगले ज़िले के बारे में हम बात करते हैं, तो अगला ज़िला हम यहाँ पर लिखते हैं बूंदी। कौन सा ज़िला है साथियों? बूंदी के बारे में हम बात करते हैं, तो अगले ज़िले का हमने नाम लिख दिया बूंदी। अब बूंदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो बूंदी में सबसे पहला एक नाम लिखा
और वो है बीजासन माता। बीजासन माता, और ये जो बीजासन माता है इनके मंदिर के बारे में बात करें तो इनका मंदिर है इंद्रगढ़ में। कहाँ पर है? इंद्रगढ़ में। तो बीजासन माता जो है इनका मंदिर कहाँ मिलेगा साथियों? इंद्रगढ़ में मिलेगा। तो इंद्रगढ़ में माता जी का मंदिर है। माता जी को इंद्रगढ़ की माता जी के नाम से भी जाना जाता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कृष्णाई या किसनाई माता जी बताई थी, तो ये कृष्णाई या किसनाई माता जी की बड़ी बहन भी है। कौन? बीजासन माता। एक जाति विशेष में अगर पैदा हो तो उन्हें कुलदेवी के रूप में मानते हैं, अगर कोई दूसरी जाति माने तो आराध्य हैं, और अगर दो या तीन जातियां माने तो फिर आराध्य है इसे। तो ये जो बीजासन माता है यहाँ पर ये तीन जातियाँ इनको विशेष रूप से आराध्य मानती है, और वो है एक मीणा जनजाति के लोग, साथ में गुजर और साथ में कंजर। ये तीन जातियों के द्वारा माता जी को पूजा जाता है। मीणा जाति, गुजर जाति और कंजर जाति के द्वारा माता जी को पूजा जाता है। ये तीनों की आराध्य देवी के रूप में जानी जाती है। कौन सी माता जी है साथियों? बीजासन माता आराध्य मीणा, गुजर और कंजर की आराध्य मानी जाती है। अब आगे चले हम, आगे इसी बूंदी के बारे में जब हम आगे बात करते हैं साथियों, तो इसी बूंदी के बारे में जब हम आगे बात करते हैं तो जब बूंदी के बारे में हम आगे बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर मैंने आपसे कहा इसी बूंदी में दूसरे नंबर पर मैंने नाम लिखा रक्तदंजी माता। क्या नाम लिखा? रक्तदंजी माता। और रक्तदंजी माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर दूसरा नाम आता है रक्तदंजी माता। रक्तदंजी माता, ठीक है। तो अगला नाम आया यहाँ पे रक्तदंजी माता, और ये रक्तदंजी माता जो है इनका मंदिर मिलेगा साथियों सथूर नामक गांव में। सथूर एक गांव है राजस्थान में, वंशावली पढ़ने वाले जागा जाति के जो हाड़ौती के क्षेत्र के लोग हैं वो इस गांव में निवास करते हैं। तो रक्तदंजी माता सथूर में है, कंजर जाति के लोग इन्हें अपनी आराध्य देवी मानते हैं। तो ये आराध्य देवी है किसकी? कंजर जनजाति की आराध्य देवी मानी जाती है। कौन सी माता? रक्तदंजी माता। राजस्थान में आपराधिक जनजातियों में उल्लेख किया जाता है कंजर जनजाति का। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं साथियों राजस्थान में लोक देवियों के बारे में, और ये जिला कौन सा है? बूंदी। अब इसी बूंदी के बारे में जब हम बात करते हैं तो इसी बूंदी में एक नाम और आता है, इसी बूंदी में एक नाम और आता है, और वो है चेना या कुशाला माता। चेना या कुशाला माता, तो यहां पर हमने लिख दिया चेना या कुशाला माता। अब चेना या कुशाला माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो एक स्थानीय गांव जिसे भजनेरी के रूप में जाना जाता है, तो भजनेरी जो है ये भजनेरी जो है यहाँ पर स्थान है, वहाँ माता जी का मंदिर है भजनेरी में। और जो लाख के चूड़े आते हैं तो लाख के चूड़े पर जो लाख लगाने का कार्य है वो लखारा जाति के द्वारा, लखारा समाज के द्वारा किया जाता है, तो लखारा समाज की कुलदेवी मानी जाती है। तो चेना या कुशाला माता जो है ये कुलदेवी है साथियों किसकी? लखारा समाज की। कौन से समाज की? लखारा समाज की कुलदेवी है, तो ये लखारा समाज की कुलदेवी मानी जाती है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक देवियों के बारे में, तो ये जो जिला है अपना इसका नाम है साथियों बूंदी, जिसके बारे में हमने यहाँ पर बात की है। कौन से ज़िले के बारे में? बूंदी ज़िले के बारे में। कोटा संभाग की हम बात कर रहे हैं, कोटा संभाग में जिलों की संख्या बताई जा रही है चार, बूंदी, झालावाड़ और बारां के बारे में हमने यहाँ पर बात की है।
अब आगे चलते हैं तो अगला जो नाम आता है वो नाम आएगा अगले ज़िले का, जो कोटा संभाग का संभाग मुख्यालय यानी कोटा है। तो अब कोटा के बारे में बात करते हैं साथियों। राजस्थान में औद्योगिक नगरी, शिक्षा नगरी के रूप में जाना जाता है किसको? कोटा को। और श्रीजी क्लासेज का जो प्लेटफॉर्म है वो भी कोटा शहर में स्थित है साथियों। तो अगला नाम आता है वो है कोटा। कोटा के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोटा में सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक नाम लिखा साथियों, और वो है आशापाला माता। हाड़ा शासकों की राजधानी के कारण रखा गया है। तो आशापाला माता हाड़ा शासकों में जन्म लेती है, इसलिए ये हाड़ा शासकों की क्या मानी जाती है? कुल देवी मानी जाती है। दशहरा राजस्थान में सबसे प्रचलित है। तो रावण वध जो है वो जो कलश भेदन का कार्य है वो कोटा के शासकों के द्वारा किया जाता है आज भी। तो कलश भेदन के पहले जिस लोक देवी का आशीर्वाद लिया जाता है यहाँ के शासकों द्वारा, आशापाला माता है। हाड़ोती के हाड़ाओं की कुल देवी मानी जाती है, हाड़ा चौहानों का एक प्रकार है। तो आशापाला माता जो है तो ये किसकी कुल देवी है साथियों? हाड़ा शासकों की कुल देवी। किसकी कुल देवी है ये? हाड़ा शासकों की कुल देवी है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया हाड़ा शासक। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक देवियों के बारे में। कोटा आशापाला माता किसकी कुल देवी है साथियों? हाड़ा शासकों की कुल देवी। फिर इसी कोटा में जब हम आगे बात करते हैं तो अगला नाम हमने यहाँ पर लिखा, इसी कोटा के बारे में जब हम बात करते हैं साथियों तो अगली जो लोक देवी आती है उनके बारे में जब हम बात करते हैं तो उन लोक देवी को बोलते हैं नाहर सिंगी माता। किस नाम से जानते हैं हम उनको? नाहर सिंगी माता। कौन से ज़िले की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर? कोटा की बात कर रहे हैं। तो दूसरा नाम जो आता है वो है नाहर सिंगी माता। और ये नाहर सिंगी माता जो है इनका मंदिर है आलनिया नाम के एक स्थान पर, इसलिए इनको आलनिया माता जी के नाम से भी जाना जाता है। शेरवाली का रूप है नाहर, स्थानीय क्षेत्रों में शेर को कहा जाता है। यह जो मंदिर है राजस्थान में इतिहास को जब पढ़ा जाता है तो भित्ति चित्र एक शब्द आता है। भीत दीवार को कहा जाता है ग्रामीण अंचलों में, तो भीत पर बने हुए चित्र भित्ति चित्र कहलाते हैं। तो राजस्थान में प्रमाणित प्राचीन भित्ति चित्रों का प्रमाण इसी आलनिया नामक स्थान पर मिलता है, यानी आलनिया से राजस्थान में प्राचीन भित्ति चित्रों का प्रमाण प्राप्त होता है, तो नाहर सिंगी माता आलनिया से राजस्थान में प्राचीन भित्ति चित्रों का प्रमाण प्राप्त होता है। तो हम बात कर रहे हैं राजस्थान में लोक देवियों के बारे में, और लोक देवियों में हम पढ़ रहे हैं साथियों कोटा। आगे चलते हैं तो आगे जब हम बात करते हैं तो इसी कोटा में जब हम आगे बात करते हैं साथियों तो अगला जो नाम आता है तीसरे नंबर पर, तो गोपालपुरा एक गांव है झालावाड़ रोड पर, ये आलनिया भी झालावाड़ रोड पर ही पड़ता है। तो गोपालपुरा जो गाँव है वहाँ पर एक लोक देवी का मंदिर है जिन्हें बीजासन माता के नाम से जानते हैं। इंद्रगढ़ की जो लोक देवी है
जितने भी हम बीजासुर माता के नाम से जानते हैं। तो तीसरा नंबर पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं साथियों कोटा में, तो तीसरा जो नाम आता है, तो तीसरे नंबर पर जब हम यहाँ पर बात करते हैं तो कोटा में तीसरा जो नाम आता है वो है एक और नाम बीजासुर माता, बीजासुर माता। और बीजासुर माता का मंदिर जहाँ मिलेगा साथियों, उस जगह का नाम है गोपालपुरा, गोपालपुरा। इनको गोपालपुरा के नाम से भी जाना जाता है। और राजस्थान में काले जादू से संबंधित जो तथ्य जानकारियाँ हैं उनमें से एक नाम मूट की झपट आता है। तो मूट की झपट का इलाज हाड़ौती अंचल में जहाँ होता है, सॉरी राजस्थान में एक बीमारी है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, वो बदाना माता है। राजस्थान में एक बीमारी है जिसको लकवे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? लकवे के नाम से जाना जाता है। लकवा आप जानते हैं, पैरालिसिस, पक्षाघात। तो लकवे का जहाँ पर इलाज होता है वो बीजासुर माता है। और वो बीजासुर माता कहाँ पर है? गोपालपुरा। तो यहाँ पर देवी के परिसर में लकवे का इलाज होता है, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बीजासुर माता की। आगे हम बात करते हैं साथियों, अगला नाम आता है इसी कोटा के बारे में जब हम बात करते हैं आगे, तो यहाँ पर अगला नाम आया करणी माता। करणी माता देशनोक बीकानेर में भी है, लेकिन कोटा में अभेड़ा मेलों के समीप भी करणी माता का मंदिर स्थित है। तो ध्यान रखना, इसको भी काम की बात है साथियों। तो चौथा नंबर जो आता है यहाँ पर करणी माता, अभेड़ा महल जो है काफ़ी विहंगम दृश्य दर्शाने वाले महल है, कई वीडियो एल्बम्स जो है यहाँ बनाई जा चुकी है। तो करणी माता जो है अभेड़ा महल, बीकानेर वाली करणी माता, चूहों वाली देवी की आप बहुत आसानी अच्छे से जानते होंगे। तो करणी माता जो है अभेड़ा महल, ये भी कहाँ पर है साथियों? कोटा में। अब आगे हम बात कर रहे हैं कौन से ज़िले की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर कोटा की बात कर रहे हैं। तो कोटा में जब हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पर पाँचवें नंबर पर एक नाम आता है और वो है फलोदी माता। जैसे ही फलोदी माता बोलते हैं तो फलोदी शब्द आते व्यक्ति जोधपुर की बारे में सोचता है। बिल्कुल जोधपुर से ही लाई गई थी माता जी, लेकिन अभी वर्तमान में रामगंज मंडी क्षेत्र के समीप एक स्थान है खेराबाद, वहाँ पर माता जी का मंदिर है। और फलोदी माता के मंदिर परिसर की खास बात यह है कि यहाँ पर 12 वर्ष में एक बार मेले का आयोजन होता है, 12 वर्ष में एक बार मेले का आयोजन होता है देवी के परिसर में। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देवी के परिसर में 12 वर्ष में एक बार मेले का आयोजन होता है। कितने वर्ष में? 12 वर्ष में एक बार मेले का आयोजन होता है। तो ये लोग देवी किस नाम से जानी जाती है? फलोदी माता के नाम से जानी जाती है। फिर आगे और हम बात करें साथियों, तो आगे जब हम और बात करते हैं तो पांचवें नंबर पर जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मित्रों, तो पांचवें नंबर पर मैंने एक नाम लिखा और वो नाम है बदाना माता, जिसकी हमने पहले गलती से चर्चा कर ली थी। तो यहाँ पर अगला नाम आता है बदाना माता। क्या नाम आता है साथियों? बदाना माता। तो अगला जो नाम है वो है बदाना माता। तो यहाँ पर अगला जो नाम आता है वो है बदाना माता। और मैंने आपको बताया कि काला जादू जो है उसका एक प्रकार है मूट की झपट। तो उस मूट की झपट का इलाज जिस देवी के द्वारा किया जाता है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? बदाना माता के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया देवी के
परिसर में मूठ की झपट, देवी के परिसर में मूठ की झपट का इलाज होता है, मूठ की झपट का इलाज होता है। राजस्थान में स्थानीय क्षेत्रों में ऐसा काला जादू प्रसिद्ध माना जाता है जिसे मूठ के नाम से जानते हैं। तो ये राजस्थान में हम बात कर रहे हैं साथियों किसके बारे में, लोक देवियों के बारे में। तो राजस्थान में हम लोक देवियों के बारे में बात कर रहे हैं और राजस्थान में लोक देवियों में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कोटा संभाग के बारे में। कोटा संभाग में हमने चार जिले लिखे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। अब यहाँ पर कुछ थोड़ी सी एक विशेष जानकारी और बता दूँ मैं आप लोगों को। तो राजस्थान में जो बारा है साथियों, तो बारा में एक जनजाति निवास करती है जिसे हम सहरिया जनजाति के नाम से जानते हैं। तो सहरिया जनजाति की भी एक लोक देवी है जिन्हें कोड़िया माता के नाम से जाना जाता है। किशनगंज क्षेत्र जो है राजस्थान में, शाहबाद किशनगंज में सहरिया निवास करते हैं। तो शाहबाद किशनगंज जो है वहाँ पर माता जी का मंदिर है कोड़िया माता, और कोड़िया माता जो है वो सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। सहरिया जनजाति की क्या मानी जाती है साथियों? कुल देवी मानी जाती है। क्या नाम बताया? कोड़िया माता। कोड़िया माता के बारे में जब हम बात करते हैं तो कोड़िया माता सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। किसकी कुल देवी मानी जाती है? सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुल देवी जो है ये किसकी है? सहरिया। किसकी कुल देवी है साथियों? सहरिया जनजाति की कुल देवी मानी जाती है। तो ये भी आप ध्यान रखना। और राजस्थान में एक नाम और आता है, जो व्यक्ति गांव से दूसरे स्थान पर जाते थे या व्यक्ति गांव में प्रवेश करते थे तो गांव के बाहर एक पथवारी माता नाम से मंदिर बनाया जाता था। तो पथ मतलब रास्ता, जो रास्ते में पड़ेगा तो वहां पर लोग आशीर्वाद लेकर के जाते हैं, तो उन्हें पथवारी, पर्टिकुलर स्थान नहीं है तो उन्हें पथवारी माता के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? पथवारी माता के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी आप ध्यान रख लेना साथियों। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं, राजस्थान कला संस्कृति के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो राजस्थान कला संस्कृति के बारे में जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो आप बिल्कुल बेझिझक होकर के पढ़ते रहिए, निश्चिंत होकर के पढ़ते रहिए और ज़िंदगी में तरक्की के लिए हमेशा अच्छा सोचे दोस्तों। नफ़रतों की आंधियाँ दुनिया में आती रहेगी लेकिन अपनी हिम्मत, अपना हौसला कभी मत टूटने देना और अपनों का विश्वास कभी मत तोड़ना, जो विशेष रूप से अपने पर सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो इसी दुआ के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। सृजी क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म विद्यार्थियों के लिए हमेशा तत्पर है। राजस्थान में राकेश सर वो प्रतिभा उभर कर आई है साथियों, जिसने कुछ ही समय में न कि हाड़ौती, जबकि राजस्थान के कई दूसरे जिलों में भी अपनी सफलता का परचम लहराया है। और ये जो समाजली है ज्ञान की, ये अब रुकने वाली नहीं है। तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस चलेगी फिर अलग ही मामला होगा, अभी ये ऑनलाइन का है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।